सभी भक्तों को जय श्री कल की भगवान की राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कल के अवतार को लेकर। तो ये जो वीडियो बनने जा रही है और आने वाली जितनी भी वीडियो बनेंगी वो सब साधना के बल पर बनेंगी, साधना के बल पर और साधना के अंतर्गत और भगवान की भक्ति के अंतर्गत और भगवान की भक्ति से जो प्राप्त हुआ है ज्ञान और अनुभव और अनुभूतियाँ और साधना के दौरान जो चीज़ें दिखाई गई उसके बल पर ही वीडियो बनेंगी। तो अभी तक जो आपने यूट्यूब पर देखा है वो बहुत ही जीरो लेवल का है। जो आने वाली वीडियो बनेंगी वो आपको अभी तक नहीं मिला है जो चीज़ प्रभु ने प्रदान की है। बात करते हैं हम कल के अवतार को लेकर। तो देखिए, मैं एक भक्त हूँ, तो भक्त जो रहता है उनका ऐसा माना जाता है जो गुरुओं से आचरण किया है, कम बोलते हैं भक्त और ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं परोसते हैं। तो बिना समय गवाए हुए मैं यही बताऊंगा जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, जो व्यक्तिगत अनुभव हुई हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, जो जानने के लिए ज़रूरी हैं। हम युग परिवर्तन के दौर में चल रहे हैं और कल्कि भगवान का अवतार हो चुका है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, बात आती है कि आपको कैसे पता लगा, मतलब मुझे कैसे पता लगा। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जानने के लिए और उस प्रोसेस को हमको अप्लाई करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हम पता लगा सकते हैं। जैसे भगवद गीता में लिखा है कि भगवान को जानने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। क्योंकि भगवान आए हैं तो उनको जानने के लिए कैसे हम जाने, किस तरीके से जाने। यूट्यूब में तो लाखों वीडियो डेली पोस्ट हो रही हैं, सब कुछ भ्रम भी चल रहा है, कुछ सत्य भी है, सब कुछ भरा पड़ा है। इस भ्रम के जाल में, इस भ्रम के युग में हम कैसे सत्य जाने। सबसे अच्छा उपाय है, आप भी जान सकते हैं, उनका नाम जाप, उनका मंत्र। जी हाँ, इसी के बदौलत, इसी की साधना के बदौलत जो मैंने प्राप्त किया है वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो मंत्र है प्रभु का, मंत्र को बिना जपे बिना भजे हम पता नहीं लगा सकते कि भगवान आए हैं या आना है या आएंगे। बिल्कुल, जब मंत्र साधना होती है हमारी, जाप होता है, सुमरन होता है, भजन होता है और कीर्तन होता है, तो उस दौरान सब चीज़ें प्रशस्त होने लगती हैं। बिना भजे प्रभु की अनुभूति, प्रभु के मार्गदर्शन, प्रभु के आदेश आज्ञाएं को हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता इस कली काल में। हाँ, तो बात यही है कि जो कल्कि महामंत्र है, जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति, जिस किसी को भी संदेह है कि अभी कल्कि भगवान को लाखों साल हैं, लाखों साल बाद आएंगे, वो ये मंत्र जाप करके देख ले। बिल्कुल, केवल 21 दिन, 21 डेज ओनली, उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल हनुमान जी के सामने बैठना है और घड़ी में 5 मिनट सेट करने हैं। 5 मिनट वो सुबह हनुमान जी को जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति सुनाए, और दोपहर में 5 मिनट या शाम को, मेनली 3 टाइम होना चाहिए, और 3 टाइम नहीं हो पा रहा तो 2 टाइम, और साथ में हनुमान चालीसा, एक बार सुबह हनुमान चालीसा, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को। दोपहर में नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दिन में 2 बार हनुमान चालीसा और 5 मिनट सुबह कल्कि महामंत्र और शाम को 5 मिनट कल्कि महामंत्र। ठीक है, ये आपको 21 डेज तक करना है। और आपको हनुमान जी से पूछना है उनके मन की बात। देखिए, ये जो बात है, जो प्रश्न है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्रश्न उनसे पूछना है, और ये जो प्रश्न है ये उनके मन का प्रश्न है। क्या है प्रश्न? प्रश्न ये रखना है हनुमान जी से, हनुमान जी क्या रघुनंदन रामचंद्र जी कल्कि नाम से आ गए हैं? क्या कल्कि नाम से अवतार ले लिया है? कृपया मार्गदर्शन करिए। ये प्रश्न था और ये आपको पूछना है हनुमान जी से, आपके 5 मिनट मंत्र जाप के बाद और हनुमान चालीसा के बाद। आपको उसी रात या 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या मेनली 11-12 दिन बाद आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, 21 डेज तक आप ये करके देखिए, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये हनुमान जी के मन का प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको 2 टाइम करना है कल्कि महामंत्र, 5-5 मिनट्स, और एक बार हनुमान चालीसा सुबह, एक बार शाम को। निरंतर आप इसका करें, कंटिन्यूसली, एक भी दिन ना छोड़ें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। ये हो गई मंत्र साधना, और मंत्र की ये हमारी प्रोसेस है जिसके कारण, जिसके वजह से हम जानना चाह रहे हैं कि भगवान का अवतार हुआ नहीं हुआ है। ठीक है,
और मैं दावा करता हूँ आपको उत्तर जरूर मिलेगा। साथ में आपको शाकाहार, सात्विक, सदाचार, जैसे सनातन धर्म में ये बताया है साकार होना पड़ता है हमको पहले। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको 21 डेज जपा और मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसा 1000% मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना मिले, आपको पक्का मिलेगा। उसके पहले आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। परहेज क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं, आपको शाकाहार और सात्विक और सदाचार, सदाचार में अपनी नीति सुधारनी पड़ेगी, आपको धर्म पर चलना होगा, आपको सबको माता बहनें ट्रीट करें और अपना खान पान सही रखना होगा, और मन वचन कर्म ये तीनों छल कपट नहीं होना चाहिए। आपको हनुमान जी प्रशस्त करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। मंत्र जाप और हनुमान चालीसा के बाद जो प्रार्थना है वो आपको बोलनी है। हे हनुमान जी भगवान, आपने जो भक्ति करवाई है और सुमरन करवाया है, नाम जाप करवाया है, उसका संपूर्ण फल आपके कमल रूपी श्री चरणों में समर्पित है, इसे आप अपने काम में लीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये प्रार्थना है छोटी सी, ये ज़रूर हमको मंत्र जाप के बाद और हनुमान चालीसा के बाद बोलना है दोनों टाइम। और इसके बाद भी आपको नहीं मिलता है 21 डेज़ के बाद जवाब, ठीक है, मेरा सिर और आपका जूता, मेरा सिर और आपका जूता, मैं फिर से कह रहा हूँ मेरा सिर और आपका जूता, क्योंकि भगवान आ चुके हैं और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया की मदद से ही हम जान सकते हैं, प्रभु का पता लगा सकते हैं, प्रभु की अनुभूतियाँ, प्रभु को, प्रभु के जो मार्गदर्शन वो हम प्राप्त कर सकते हैं हनुमान जी के माध्यम से। और हनुमान जी को इसीलिए रामचंद्र जी ने रखा था कलयुग के लिए कि आपको भक्तों का मार्गदर्शन करना है। तो आप भक्त बनना चाहते हैं और प्रभु कल्कि नारायण का पता लगाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हनुमान जी से पूछिए, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, निसंदेह मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बशर्ते आपको प्रिकॉशंस जो परहेज है वो करना पड़ेगा। बिना परहेज के आपको जवाब नहीं मिलेगा। परहेज आपने जैसे ही करना शुरू किया आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। तो कल्कि महामंत्र और हनुमान चालीसा आपको जाप करना है। और मैंने बताया कि आपको ज़रूर अनुभव होगा, ज़रूर अनुभूति होगी, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नहीं मिलता है तो मैंने आपको फिर बताया मेरा सिर और आपका जूता। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 8959555467। जहाँ बुलाएंगे आप मैं वहाँ आने तैयार हूँ, जूता खाने के लिए आपका, क्योंकि जो ये मैं बल बोल रहा हूँ अपनी साधना के बल पर बोल रहा हूँ जी, साधना के बल पर बोल रहा हूँ। कल की अवतार हो चुका है, युग परिवर्तन के दौर में हम चल रहे हैं, आगे जो समय आएगा वो मैं क्या बताऊँ। जब आप खुद इस प्रोसेस पर चलेंगे तो आपको खुद नज़र आने लगेगा कि हम किस दौर में जा रहे हैं, किस चीज़ से गुजरने वाले हैं और क्या चीज़ आने वाली है, बिल्कुल। और मैं यही कहूँगा, जाते जाते आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी मेरी, जितनी भी आने वाली वीडियो होंगी वो सब साधना के बल पर होंगी, तपस्या के बल पर होंगी। यहाँ कचड़ा यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, ये नहीं रहता है काम भक्त का। भक्त का काम रहता है स्पष्ट बोलना है, कम बोलना है, जितना ज़रूरी है वो बोलना है, तो वही आपको परोसा जाएगा जितना ज़रूरी है, जितना आवश्यकता है, जहाँ आपको ज़रूरत है जिस प्रकार के ज्ञान की, वो ज्ञान ही आपको दिया जाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। तो मैं जाते जाते यही कहूँगा कि ये जो आप प्रोसेस है, ये जो कहने का प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको ज़रूर अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इसके अलावा आप कहीं भी कुछ भी देखें आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर कली बैठा है और भ्रम का युग है, और इस भ्रम में हमको विश्वास नहीं होता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है और सबसे बढ़िया मैं कहूँ तो ईजी प्रोसेस है, प्रक्रिया जानने की, जो हम पता लगा सकते हैं। सबको मार्गदर्शन मिल रहा है, मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा, और आने वाले जो व्यक्ति हैं जुड़ेंगे कल की महामंत्र से और मंत्र को जाप करेंगे, उनको भी मार्गदर्शन भगवान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कल की भगवान की, राधे राधे।